सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है सुजुकी बर्गमैन सीट 125 के बेस वेरिएंट यानी कि विदाउट बीटी वेरिएंट के बारे में, सभी वेरिएंट्स भी और अदर कलर ऑप्शंस भी वीडियो में आगे चलकर आप लोगों को देखने को मिल जाने वाले हैं। आज का वीडियो पूरा एंड तक जरूर से देखना अगर स्कूटी लेने का प्लानिंग कर रहे हो तो। काफ़ी अच्छा स्कूटर ये हो जाता है, पेंट फिनिश क्वालिटी, प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी टॉप नॉच मिलेगी प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। टोटल 3 वेरिएंट में बर्गमैन अवेलेबल रहता है। ये है अपना बेस वेरिएंट यानी कि विदाउट बीटी। काफ़ी सारे मेजर भी चेंजेस हैं और काफ़ी सारे माइनर चेंजेस भी वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेंगे और प्राइसिंग में भी डिफरेंस है जो कि ऑब्वियस सेटअप रहता ही है। सो बेस वेरिएंट ये अपना रहने वाला है विदाउट बीटी। मिड वेरिएंट हो जाता है विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड टॉप ऑफ द लाइन हो जाता है सुजुकी बर्गमैन ईएक्स, जहां पे फ्रंट टायर भी 12 इंचेस का रहता है, रियर टायर भी 12 इंचेस का रहता है। पूरा लाइनअप अभी के लिए अपने पास अवेलेबल है। सो वीडियो में आगे चल के आप लोगों को सारे ही वेरिएंट्स भी मैं दिखाने वाला हूं। प्राइसिंग से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो बेस वेरिएंट ऑन रोड जयपुर आप लोगों को कॉस्ट करने वाला है 111,600 रुपये, 1,11,600 रुपीज़ ऑन रोड जयपुर आपका रहेगा विदाउट बीटी वेरिएंट। फ्रंट रोज पे देखते तो यहाँ पे आप लोगों को आ जाता है विंडस्क्रीन क्लियर में, प्लस एमआईडी सेटअप भी आपको फ्रंट रोज पे ही यहाँ मिलने वाला है। प्रॉपर एक मैक्सी स्कूटर लुक यहाँ पे मिलने वाला है, जैसे कि मोटो स्कूटर होता है मैक्सी स्कूटर यहाँ पे बर्गमैन अपना हो जाता है। फ्रंट पे ही एक नंबर प्लेट का अपना होल्डर आ जाता है, सुजुकी का लोगो है क्रोम वाला, पियानो ब्लैक का काफ़ी अच्छा हाईलाइट यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है, स्पेशली इन बेस वेरिएंट। पियानो ब्लैक सबसे ज़्यादा आप लोगों को बेस वेरिएंट में ही मिल जाने वाला है। फाइबर बॉडी ओवरऑल आपको ये रहने वाली है, बट क्वालिटी वाइज काफ़ी सॉलिड आपको ये सेटअप पूरा फील होने वाला है। इग्निशन के साथ हेडलैम्प सेटअप आपका ऑन रहेगा, एलईडी में हेडलैम्प है, एलईडी डीआरएल भी यहाँ पे मिल जाते हैं, कुछ इस टाइप से ही शेप बनेगा। 3 कंपार्टमेंट हेडलैम्प यहाँ है, हाई बीम लो बीम वाला ही पूरा सेटअप रहता है। इंडिकेटर फ्रंट का भी और रियर का भी हेलोजन में ही आपको मिलेगा। टेल लैम्प भी एलईडी में ही ओवरऑल मिलने वाला है। मैट ब्लैक का यूज़ भी हेडलैम्प हाउसिंग के रैप अराउंड देखने को आप लोगों को मिल जाने वाला है। फ्रंट मडगार्ड कुछ आपका इस टाइप से है, रिफ्लेक्टर आ जाता है जो कि मैंडेटरी वाला पार्ट है। फ्रंट टायर की ग्रेडिंग 12 इंचेस का फ्रंट टायर है, रियर आपका रहेगा 10 इंचेस का, अलॉयज ही मिल जाते हैं। प्लस ये अपना रहेगा ग्लॉसी ब्लैक में, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है, मैट ब्लैक वाला एक कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे बिल्डअप हो जाता है। एमआरएफ ट्यूबलेस से ये अपना टायर का सेटअप रहने वाला है, टायर का पैटर्न कुछ आपका इस टाइप से है। और ये रहा अपना ब्रेकिंग सेटअप, 190 mm के अराउंड आप लोगों को निसिन ब्रेकिंग के साथ फ्रंट में मिल जाता है डिस्क, रियर रहता है ड्रम 130 mm का, और ये अपना MRF का ये टायर इस टाइप से कुछ ये अपना हो जाता है। फ्रंट लुक कंप्लीट, ब्रेक लीवर कुछ इस टाइप से है। ये अपना रियर व्यू मिरर, कार्बन वाला टेक्सचर आ जाता है, प्लस बार एंड आपको यहाँ पे फाइबर में ही मिलेगा। बेस वेरिएंट में डैश का सेटअप आपको मिलेगा ब्लैकआउट ही कंप्लीट, जैसा कि यहाँ पे है, और सीट भी कंप्लीट अपना ब्लैक ही रहेगा विथ रेड स्टिचिंग जो कि यहाँ से आप लोगों को ये विजिबल सेटअप सारा रहेगा। हैंडल बार पे भी पियानो ब्लैक वाला यूज़ आ जाता है, सुजुकी के प्रॉपर एक एम्बलम आ जाता है। हाई बीम लो बीम इंडिकेटर हॉर्न सिंगल बजर में ही रहेगा, प्लस किल स्विच एंड स्टार्टर 3-in-1 स्विच अपना ये भी है। साइलेंट स्टार्ट सुजुकी की किसी भी स्कूटी में अवेलेबल नहीं है, ना ही एक्सेस में, ना ही बर्गमैन में, ना ही एवेनिस में। एवेनिस का वीडियो भी अभी शूट होने वाला है, बहुत ही जल्दी आ जाएगा। थ्रॉटल ग्रिप अपना कुछ इस टाइप से है और ग्रिप कवर अपना ये लेआउट रहने वाला है। इग्निशन आपका रेगुलर जगह पे, ये शटर वाला ये पूरा पैटर्न है, प्लस इस टाइप से की का लेआउट ये आपका प्रॉपर रहेगा, जैसा कि अगेन सभी सुजुकी के स्कूटीज़ में ये सेटअप अवेलेबल रहता है। सीट ओपन करके देख लेते हैं तो सीट भी आपका MI इससे इग्निशन से ही एक्सेस होने वाला है, ये अपना ओपन हो चुका है। और इस टाइप से कुछ ये आपका अंडर सीट स्टोरेज स्पेस बन जाता है। अच्छे खासे साइज़ का हेलमेट आप लोग रख सकते हो, बट जो फुल साइज़ हेलमेट होता है ना वो यहाँ पे नहीं आ सकता। हाफ फेस हेलमेट तो आ ही जाएगा, फुल फेस हेलमेट छोटे साइज़ का इजीली यहाँ पे रख सकते हो। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.5 लीटर, 5.5 लीटर का अंडर सीट में ही फ्यूल फिलिंग यहाँ पे मिलेगा। 820 का स्टिकर आ जाता है, बाकी यहाँ भी प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सीट का लेआउट टूल किट मिल जाता है, एक फर्स्ट एड किट आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाने वाला है। सीट कवर के काफ़ी ऑप्शन कंपनी से ही आप लोगों को आफ्टर मार्केट भी और कंपनी से भी मिल जाने वाले हैं। बर्गमैन सीट के टाइप से ब्रांडिंग आ जाती है रियर बॉडी पे, ये क्रीज लाइंस की वजह से काफ़ी अच्छा ये लुक आता है। पियानो ब्लैक SEP सुजुकी इको परफॉर्मेंस के एक स्टिकर यहाँ है। फुटपैक फोल्डेबल सिल्वर फिनिश में रहने वाला है, इस टाइप से एग्जॉस्ट का लेआउट है फाइबर कवरिंग के साथ, प्लस टिप रहेगा पियानो ब्लैक में ही। फैन कूलिंग सिस्टम के साथ स्कूटी आता है तो फैन की प्लेसिंग और ऑयल चेंज करने के लिए सेपरेटली यहाँ पे नोजल भी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाने वाला है। इस टाइप से कुछ ग्रेव रेल रहेगा, अगेन पियानो ब्लैक सिंगल पीस में ही, और ये अपना टेल लैम्प हाउसिंग, टेल लैम्प LED में है, इंडिकेटर हेलोजन में ही है, पियानो ब्लैक अगेन आ जाता है, सुजुकी की ब्रांडिंग। नंबर प्लेट के लिए सेपरेटली एक हेलोजन में आप लोगों को पर्टिकुलर बल्ब मिल जाएगा, और ये अपना टेल टाइडी। रियर अलॉय का शेप कुछ आपका इस टाइप से है, रियर टायर की ग्रेडिंग 90-100-10, 12 फ्रंट 10 आपका रियर पैटर्न आपको कुछ इस टाइप से है। टायर हगर भी मिल जाता है, रिमूव कर सकते हो, बट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ये अपना सेटअप भी
बन जाने वाला है। इस टाइप से कुछ राइडर पीयूवी आपका बनता है। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन भी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है। सीट हाइट भी इतना ज़्यादा नहीं है और स्पेशली दो आप लोगों को यहाँ पे फुट प्लेसिंग मिल जाती है, यानी कि ड्यूल फुट प्लेसिंग मिल जाती है। इस टाइप से कुछ लेआउट है अपोजिट साइड से इंजन का। बेस्ट पार्ट जो कि किक रहता है, बेस टू टॉप सभी वेरियंट्स में आप लोगों को किक स्टार्ट का ऑप्शन मिलने वाला है। टायर अगर यहाँ से आप लोग रिमूव भी कर सकते हो। रियर ब्रेकिंग 130mm ड्रम, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग या फिर कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी इसको आप लोग कह सकते हो। प्लस इस टाइप से कुछ अपना इंजन का लेआउट है। ब्लैकआउट मैट ब्लैक वाला यूज़ यहाँ है। सेंटर स्टैंड साइड स्टैंड दोनों है, साइड स्टैंड इंजन का टॉप के साथ। और साइड स्टैंड यहाँ पे सुजुकी में पार्ट ऑफ एसेसरीज नहीं रहता, ये एज स्टैंडर्ड ही आपको सेटअप रहने वाला है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो 124cc का यहाँ पर आपको को फैन कूल्ड इंजन मिल जाता है सीवीटी गियरबॉक्स के साथ। 8.6 HP और 10 Nm का टोटल टॉर्क है। स्कूटी का टोटल वेट 111 kg, 111 kg बर्गमैन स्ट्रीट का टोटल आपका वेट रहने वाला है। और ग्राउंड क्लियरेंस 160mm का। प्राइसिंग आप लोगों को मिली चुकी है 1,11,600 रुपये ऑन रोड जयपुर बेस वेरिएंट। अब आप लोगों को दिखा देते हैं एक बार इग्निशन के साथ लाइटिंग सेटअप क्या कुछ ऑन रहने वाला है, जो कि मिड वेरिएंट अपने पास अवेलेबल है। और वहाँ है अपने पास EX, अभी दिखाते हैं। सो ये अपना मिड वेरिएंट यानी कि विथ BT कनेक्टिविटी ब्राउन वाला सेटअप आपको आ जाता है डैश पे। और कॉम्बिनेशन में सीट भी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है ब्राउन और ब्लैक। इग्निशन ऑन करते हैं। हालांकि यहाँ पे MID सेटअप चेंज रहता है क्योंकि ये BT वाला है, साइज़ भी चेंज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बेस। विदाउट BT के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइज़ आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है, क्योंकि ऑब्वियस है BT से रिलेटेड फीचर्स भी यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। और ये कुछ अपना लाइटिंग ऑन रहता है इग्निशन के साथ, जो कि कॉमन ही दोनों ही वेरिएंट में या फिर सभी वेरिएंट में अपना ही रहेगा। LED DRL और LED में हेडलैम्प, 3 कंपार्टमेंट है, हाई बीम लो बीम वाला। ये पूरा अपना सेटअप कुछ इस टाइप से ये बनने वाला है, हाई बीम लो बीम वाला ही अपना अपर डिपर ये आपका सेटअप रहेगा। आप कर लेते हैं स्कूटी को स्टार्ट और सुन लेते हैं एग्जॉस्ट नोट, फिर चलते हैं अदर वेरियंट्स और कलर ऑप्शन की तरफ। सो साइलेंट स्टार्ट यहाँ पे अवेलेबल आपको नहीं रहेगा। हेडलैम्प सेटअप अपन लोग आगे से देख ही चुके हैं, आप कर लेते हैं थोड़ा सा रेव। सो टेल लैम्प के साथ लुक देखते हैं, टेल लैम्प ऑन कुछ अपना इस टाइप से ये रहेगा। LED हेलोजन, कर देते हैं स्कूटी को ऑफ। एक और डिफरेंस मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी ना, जो बेस और मिड वेरिएंट में रहता है यहाँ पर आप लोगों को USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, एक प्रॉपर USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। ये कवरिंग दोनों ही वेरिएंट में रहेगा, बट बेस वेरिएंट में क्या रहता है वो देख लेते हैं। बेस वेरिएंट में रहता है अपना सॉकेट, 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट जो आता है, वो वाला लेआउट आपको रहेगा बेस वेरिएंट में कुछ इस टाइप से। यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर आपको एक इंस्टॉल करना रहेगा सॉकेट में चार्जर, और ये अपना वर्किंग उस टाइप से रहेगा। और ये रहता है अपना टॉप एंड वेरिएंट यानी कि बर्गमैन EX। पियानो ब्लैक की जगह क्रोम आ जाता है और सेटिन आ जाता है। EX रहता है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप एक्स्ट्रा मिल जाता है, प्लस फ्रंट टायर भी 12 इंचेस का है, रियर टायर भी यहाँ पे 12 इंचेस का भी रहने वाला है। प्लस ये वाला जो पेंट स्कीम है ये भी आपको सिर्फ EX पे ही मिलने वाला है। इसी के साथ ही हो जाता है अपना वीडियो कंप्लीट। वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो तो एक लाइक भी जरूर से कर देना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर देना। सभी वेरिएंट भी आप लोगों ने देख लिए, कलर ऑप्शंस भी आप लोगों ने देख ही लिए। सो करते हैं अपना ये वाला वीडियो एंड, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।